नमस्कार, वॉइस ऑफ एशियंस के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज आपको हम एक मल्टी टैलेंट पर्सनालिटी के साथ मिलाने जा रहे हैं जो हमारे वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियोज़ में हैं, और आज हमारे साथ हैं विशेष तौर पर मौजूद मिसेस सुषमा पुरी जी। नमस्कार। और बताना चाहेंगे कि ये बहुत बड़े लेवल की सिंगिंग कंसर्ट्स करवाती हैं, खुद भी सिंगर हैं, योगा की इंस्ट्रक्टर हैं, अपनी ही एक एनजीओ चला रही हैं और पॉलिटिक्स में भी हैं, यानी कि इंसान एक और चार चार पर्सनालिटीज़। तो बहुत आज दर्शकों को अच्छा लगेगा आपसे मिलके। सबसे पहले बात करते हैं सिंगिंग की। वॉइस ऑफ सिंगर्स नाम से इनका एक प्रोग्राम आता है हर महीने में एक बार। पिछले 10 महीनों से इन्होंने शहर के बड़े बड़े सिंगर्स को एक ही मंच पर इकट्ठा कर दिया और एक शानदार शो आयोजित करती हैं। तो पहले उसके बारे बताइए कि ये कैसे है, कैसे एक इंसान उस शो तक पहुंच सकता है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। सबसे पहले मैं सुखविंदर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा, यहाँ बुलाया। वॉइस ऑफ सिंगर्स को हमने मार्च मंथ में शुरू किया था जी, और धीरे 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 करते करते इसमें इतने जुड़ गए हैं कि हम उनको बल्कि मना करें कि इतनों को हम नहीं गवा सकते जी। सभी को इतना पसंद आ रहा है, बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज इसके साथ जुड़ गई हैं जिनको शौक है गाने का, लेकिन कभी उनको स्टेज नहीं मिली है जी। ये बहुत बड़ी बात है कि हम उनको रिहर्सल्स करवाते हैं। पहले हम पूरा मंथ एक रिहर्सल्स देते हैं उनको म्यूजिशियंस के साथ, और जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं फिर वेन्यू देख के हम उनको स्टेज प्रोवाइड करते हैं जी। इसमें कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ गा रहे हैं जो पे नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उनको गवा रहे हैं ताकि हो सकता है कल को वो शाइन कर जाए, उनको बड़ा अच्छा मौका मिले जिंदगी में कमाने का जी। तो वो कुछ याद रखेंगे, वॉइस ऑफ सिंगर से हम निकले हैं स्टार बन के जी। कुछ ऐसा ही हमारा प्रोग्राम है वॉइस ऑफ। टोटल कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर चुके हैं? इसमें मतलब कि 80 के लोग कर चुके हैं, और जो जुड़े हैं 200 के करीब जुड़ चुके हैं हमारे साथ। क्या बात है। तो कुछ गेस्ट देखने भी आते हैं, वो कहते हैं जुड़ना चाहते हैं, गाना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारी प्रॉब्लम्स है कि इतनों को हम नहीं करा सकते। अब सोचा हमने कि मंथ में हम 2 ग्रुप्स बना लें ताकि 1 मंथ में 2 टाइम्स हम ये कर पाए। क्या बात है, वाह बहुत खूब। तो इससे पहले कि हम आपकी और क्वालिटीज के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं, सबसे पहले कुछ तस्वीरें दिखाते हैं आपके फंक्शंस की, आपके शोज की, जिनसे दर्शक और ज्यादा आपके बारे में जान सकें। तो दर्शकों एक बार फिर से स्वागत है वॉइस ऑफ एशियंस में। आज हमारे खास मेहमान हैं मिसेस सुषमा पुरी जी, जिनके बारे में बताया हमने कि वॉइस ऑफ सिंगर्स इनका एक प्रोग्राम आता है, तो जिसके थ्रू इन्होंने पूरे लुधियाना को एक बार म्यूजिकली हिला दिया हुआ है। फिर दूसरी सबसे बड़ी खूबी है इनमें कि ये योगा के इंस्ट्रक्टर भी हैं।
तो आप बताइए कि कब से योगा में आपका ध्यान हुआ और फिर योगा के थ्रू आपने कितने फंक्शंस या कैंप्स किए हैं? योगा देखिए मैं 95 से कर रही हूँ। वेरी गुड। मैं काफ़ी बीमार हो गई थी, कोई डॉक्टर ने छोड़ा लुधियाना के, लेकिन ठीक नहीं हो पा रही थी जी। तो मुझे किसी ने बोला कि आप इतने बीमार हो, इतने वीक भी हो गए, आप योगा क्यों नहीं ज्वाइन करते जी। लेकिन मुझे फेथ नहीं था, तो मैं जैसे ही मैंने योगा ज्वाइन किया तो जो मेरे पेट में इस वे पेन रहती थी 10 साल से, वो 10 दिन में ठीक हो गई। क्या बात है। तो उसके बाद सारे कहते हैं कि आप इतना अच्छा, उस टाइम में काफ़ी स्लिम ट्रिम भी थी तो सारे आसन कर लेती थी, तो आप करिए भी और सिखाइए भी। धीरे धीरे सीखने के बाद फिर हमने ऋषि नगर अपना यहाँ रेजिडेंस में यहाँ शिफ्ट किया, तो वहाँ यहाँ पे पार्क में करवाने लगी। 95 से मैं करवा रही हूँ। एक टाइम में केवल 100 के करीब लेडीज होती हैं। क्या बात है। उसके बाद हमने, क्योंकि बोलने की प्रॉब्लम आती थी पार्क में, तो हमने पोर्टेबल माइक वाला लेके, तो फिर वो अभी भी लेडीज आती हैं मेरे पास, जब वो ठीक होती है बहुत दवाएं देती हैं। क्या बात है, वंडरफुल। तो आप मानते हैं कि दवाइयों की बजाय योग करना ज़्यादा बेटर है? जी देखिए, मेडिसिन को हम नकार तो नहीं सकते, लेकिन योगा अगर हम रेगुलर करते रहें तो उससे हम बीमारियों से काफ़ी बचे रहते हैं जी। जैसे VP है, ब्लड शुगर है, अपना हार्ट और बीटिंग नॉर्मल हो जाती है, काफ़ी हमें डॉक्टर्स का मुंह नहीं देखना पड़ता। बिल्कुल सही, बहुत ही रेयर ही देखना पड़ता है। तो योगा से बड़े ही फायदे हैं, हम 10 इयर्स बैक यंग लगते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। योगा करने तो ऐसे ही आपने बताया कि आप एक NGO भी चला रही हैं, और मैंने बहुत से फंक्शंस में देखा है कि आप बहुत सी नीडी वुमन की भी आप हेल्प करती हैं, नीडी लोगों की बहुत हेल्प करती हैं। पर्सनली ये मैंने बहुत फंक्शंस में देखा है, तो पूरे परिवार के साथ आप ऐसे नेक कामों में डटती हैं। तो कौन सी NGO है और क्या क्या करती हैं उसके द्वारा आप? हमारी एक NGO है वॉइस ऑफ वुमन, जिसमें हम सभी लेडीज 50 से करीब लेडीज हैं। कभी भी कोई अच्छा कार्य करना होता है, हमने हम मिल के एक मीटिंग कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है जी। हम जैसे कोई स्कूल चूज कर लेते हैं, विंटर्स में बच्चे, कई बच्चे ऐसे उनके पास स्वेटर भी नहीं है, शर्ट पहन के आते हैं, तो हम सोच लेते हैं कि इन बच्चों को 100 बच्चों को स्वेटर देने हैं। तो हम देख के आए, शहवाल स्कूल है वहाँ पे चांद कॉलोनी में, वहाँ स्वेटर देख के आए। और कई बार शूज नहीं होते बच्चों के पास, नंगे पाँव आ रहे होते हैं, तो देखो सोसाइटी की ये है फर्ज बनता है कि हमें लोगों का जो आसपास रहते हैं हमारे, उनका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखें। तो ये जो इंडिया है ना, हमारा द्वारा से सोने की चिड़िया बन। सही बात है। पर सुषमा जी, एक प्रॉब्लम है कि बहुत कम लोग हैं जो आसपास को देखते हैं, सोचते हैं और उसके लिए कुछ करते हैं, उनके पास टाइम ही नहीं होता। तो जैसे आपकी संस्था कर रही है, मैं यही कहना चाहूँगा सभी दर्शकों को कि आपको इनकी संस्था से प्रेरणा लेनी चाहिए, आसपास देखें किनकी क्या क्या मदद की जा सकती है। देखिए, सभी अपने लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए जीते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज बनता है कि थोड़ा थोड़ा अगर हम टाइम निकालें तो दूसरों का भी ध्यान रख सकते हैं। सिर्फ सरकार का ये ड्यूटी नहीं है, ये हम लोगों की जो अच्छी फैमिली से हैं वो भी ये काम कर सकते हैं, हमें एक दूसरे से सीखने को मिलता है थोड़ा बहुत। बिल्कुल जी। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं पॉलिटिक्स की, तो पता लगा कि आप पॉलिटिक्स में भी हैं, तो कौन सी पार्टी में हैं और किस रैंक पे हैं और क्या क्या करती हैं आप पॉलिटिक्स के थ्रू? देखिए, एक सत्संग हम कर रहे थे, वहाँ पे लीना टपारिया जो महिला प्रेसिडेंट है वो आए हुए थे जी। जी, जो भी चढ़ावा वहाँ चढ़ता है हम उसी टाइम गिन के, वहाँ उनके घर में जो मेड थी उसकी बेटी हुई थी जी, तो उनके ये सारा उसी को दे दो कन्या। अच्छा। तो वो बहुत इम्प्रेस हुए मेरे से, तो उन्होंने बोला इनको लो, तो उन्होंने मुझे फिर शायद कुछ देखा ही होगा जी, तो उन्होंने मुझे फिर चुन के ब्लॉक प्रेसिडेंट महिला कांग्रेस में दिया, मुझे स्थान दिया, और उनके साथ मैं 11 से हूँ। अच्छा, 7 साल से। हाँ जी। तो कोई नीडी लेडीज है, किन्हीं को इंसाफ नहीं मिल पा रहा या कोई बहुत प्रॉब्लम्स में है, तो क्या आप उनकी भी हेल्प करती हैं? जी, कुछ लेडीज थी मिलके आई थी मेरे पास कि उसका हस्बैंड बहुत उसे पिटाई करता है, मारता है, तो हम उसके घर गए थे, तो हमने कहा एक तो तूने हाथ नहीं लगाना, बिल्कुल, और कुछ डिमांड नहीं करनी, उसे डिमांड भी करता था। अच्छा। तो एक तूने हाथ नहीं लगाना, एक तूने डिमांड नहीं करनी, नहीं तो तू अंदर हो जाएगा, छूटेगा नहीं, बाकी मुंह से लड़ो कोई बात नहीं, वो सब घर में चलता है। सही बात है। तो उसके बाद उसकी बेचारी इतनी बात से सुधर गया, यही बहुत बड़ी बात है कि ज्यादा चक्कर नहीं लगाने पड़े। बिल्कुल, क्योंकि एफर्ट करना बहुत बड़ी बात होती है। तो सुषमा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आज आप हमारे स्टूडियोज में आए वॉइस ऑफ एशियंस के स्टूडियोज में, और वाकई दर्शकों को लगा होगा कि आज एक बहुत ही मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटी के साथ हम मिल पाए हैं। तो हमारे यहाँ रिवायत है कि हम 10वें प्लैनेट यानी कि धरती को बचाने के लिए गुहार लगाते हैं हर एक को,
और साथ ही साथ एक पौधा भी भेंट करते हैं ताकि आप उसको लगाओ और धरती को और हरा भरा बनाओ। तो आपके लिए भी एक छोटी सी भेंट हमारे वॉइस ऑफ एशियंस की तरफ से। मैं सुखविंदर जी का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। ग्रेट पर्सनैलिटी यही है, अरे अरे। हमारी पहचान इनसे है। थैंक यू भाई। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया, सम्मानित किया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और प्रिय दर्शकों, आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी आज की यह विशेष इंटरव्यू। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा और साथ ही साथ आप इसको इंटरव्यू को दूसरों तक भेजने में मत भूलिए ताकि उनको भी सुषमा जी की पर्सनालिटी से एक लाइफ में एनकरेजमेंट मिले कि वे भी लाइफ में ऊंचाई तक आने की कोशिश ज़रूर करें। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मत भूलिएगा, ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आने वाले टाइम में हम आपको बहुत से अपडेट्स दिखाते रहें। फिर मिलते हैं एक और इंटरव्यू या न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।